और यहाँ पर आने वाले जो कानूनों की बात की जा रही है, ये कानून जो है वो होने चाहिए। जब हम कहते हैं कि हम सभी धर्म जो हैं वो एक गुलदस्ते की तरह रहते हैं, तो अगर सब धर्म एक जैसे रहते हैं तो उनके लिए कानून भी एक जैसे होने चाहिए। क्योंकि आप दो कार्यकाल देखेंगे तो 10 सालों के कार्यकाल में उनके पास एक पूरी लिस्ट है कि उन्होंने क्या क्या किया है। अगर राम मंदिर का निर्माण किया है तो उनके पास वो पूरी तरह से एक कहानी थी बनाने के लिए, उनको पता था कि हमें इस कार्यकाल में ये करना है। अगर UCC के लिए वो इतने ज्यादा प्रबल दावेदारी कर रहे हैं, मीन्स उनके पास रोड मैप है, वो कर सकते हैं। देखिए, अगर UCC लागू होता तो ये बहुत अच्छी बात है कि पहले तो होता था कि एक विधान, एक प्रधान, एक निशान, वो तो सक्सेसफुल हुआ, लेकिन अब एक चुनाव की बात यहाँ पर आ रही है। और UCC जब लागू होगा तो इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें बेनिफिट। देखिए, भाजपा जो जीत का जो दावा कर रही है, ये विपक्ष भी मान चुका है कि भाजपा की ही सरकार आने वाली है। और यहाँ पर आने वाले जो कानूनों की बात की जा रही है, ये कानून जो है वो होने चाहिए। जब हम कहते हैं कि हम सभी धर्म जो हैं वो एक गुलदस्ते की तरह रहते हैं, तो अगर सब धर्म एक जैसे रहते हैं तो उनके लिए कानून भी एक जैसे होने चाहिए। लगता है कि अगले 5 सालों में जब ये कानून देश के लिए लागू होंगे, दोनों कानून एक साथ, चुनाव और उसके साथ साथ UCC, देश के लिए सही साबित होंगे? बिल्कुल, देश के लिए ये सबसे महत्वपूर्ण निर्णय है। जब पूरे देश भर में एक ही समय चुनाव होंगे तो आप सोचिए कितना पैसा बचेगा, कितना पैसा जो है वो हमारा बचेगा। क्योंकि जब हम देखते हैं कि अलग अलग समय में अलग अलग चुनाव होते हैं तो कितना खर्चा बढ़ता है। जब इस तरह के कानून जब लागू हो जाएंगे, देश ऑटोमेटिक तरक्की करेगा, पैसा बचेगा। और ये दोनों कानून जो हैं वो पहले ही कार्यकाल के अंदर जो है वो लागू हो जाने चाहिए। ठीक है मैडम, आपका नाम? रूहानी। मैडम, ये बताइए, अमित शाह ने कहा है कि सरकार जैसे ही मोदी सरकार 3.0 आएगी तो यूनिफॉर्म सिविल कोड सब धर्मों के लिए कानून और उसके साथ साथ एक देश एक चुनाव का कानून लागू किया जाएगा। क्या आपको लगता है कि भाजपा जो है अपने जीत को लेकर इतनी आश्वस्त है कि वो इस तरह के ऐलान कर रही है? देखिए, बिल्कुल आश्वस्त है, क्योंकि आप दो कार्यकाल देखेंगे तो 10 सालों के कार्यकाल में उनके पास एक पूरी लिस्ट है कि उन्होंने क्या क्या किया है। अगर राम मंदिर का निर्माण किया है तो उनके पास वो पूरी तरह से एक कहानी थी बनाने के लिए, उनको पता था कि हमें इस कार्यकाल में ये करना है। अगर यूसीसी के लिए वो इतने ज्यादा प्रबल दावेदारी कर रहे हैं, मींस उनके पास रोड मैप है, वो कर सकते हैं। मैडम, आपको लगता है कि अगले 5 साल में ये दोनों कानून एक साथ पूरे देश में चुनाव और उसके साथ साथ यूसीसी लागू होता है, देश के लिए सही साबित होगा? हो सकता है, क्योंकि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या फिर गृह मंत्री अमित शाह कुछ कह रहे हैं तो वाकई कुछ ना कुछ तो पीछे होगा इसके। लेकिन हाँ, वन नेशन वन इलेक्शन ज़रूरी है, बिल्कुल ज़रूरी है, और आज का युवा भी यही चाहता है। उसी के साथ साथ आप जो दूसरा सवाल करें, UCC कानून, देखिए बहुत से ऐसे अत्याचार सहे हैं। ट्रिपल तलाक जो था खत्म किया था वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। कुछ ऐसे कानून हैं जिससे कुछ लोगों को अन्याय महसूस होता है। अगर इस तरह के कानून यूनिफॉर्म सिविल कोड आ जाता है तो सबको एक ही आप माला में पुरोएंगे और सबके साथ उसी तरह से न्याय होगा जैसे बाकी व्यवस्था में होता है। आपका नाम? अरफाज डेंग। अरफाज, गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार जब बनेगी, मोदी सरकार 3.0, तो UCC और उसके साथ साथ एक देश एक चुनाव लागू किया जाएगा। क्या आपको लगता है कि सरकार को जो है इतना ज्यादा विश्वास भाजपा को है कि इसीलिए वो ऐसे ऐलान कर रहे हैं? भाई, अभी तो चुनाव चल रहे हैं, लोगों ने मतदान किया है, कुछ करने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं ये ओवर कॉन्फिडेंस है इनका। क्योंकि 10 सालों में, पिछले 10 साल जो गुजरे हैं हमारे, बहुत सारे काम अच्छे भी हुए हैं, लेकिन कुछ काम ऐसे भी हैं जिससे लोग नाराज़ भी हैं। तो ये जल्दबाजी है ऐसी चीज़ें, क्योंकि अब सियासत है, सियासत में कुछ भी कहा जा सकता है, सियासतदान लोग हैं, लेकिन ये ओवर कॉन्फिडेंस ही इनका झलकता है। सर, ये जब लागू होंगे तो उसके बाद ही इसका पता चल पाएगा कि अच्छे साबित होंगे या नहीं होंगे, लेकिन जब लागू होंगे तब इसका सही मायनों में पता चल पाएगा। शुक्रिया। आपका नाम? देव ठाकुर। देव, मुझे ये बताइए, जिस तरह से गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि जब मोदी सरकार 3.0 आएगी तो एक देश एक चुनाव और UCC लागू किया जाएगा, आपको क्या लगता है कि ये जो दिया है, बयान दिया है, ये सही बयान है? इतने वो होपफुल हैं कि सरकार आएगी, या किस तरह से देखते हैं? देखिए, अगर UCC लागू होता है तो ये बहुत अच्छी बात है कि पहले तो होता था कि एक विधान, एक प्रधान, एक निशान, वो तो सक्सेसफुल हुआ, लेकिन अब एक चुनाव की बात यहाँ पर आ रही है। और UCC जब लागू होगा तो इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें बेनिफिट देंगी और आने वाले समय में न सिर्फ हमारे लिए बल्कि हमारे बच्चों के भविष्य के लिए भी अच्छी होने वाली है। लगता है कि अगले 5 साल में जब ये लागू हो जाएगा, देश के लिए ठीक साबित होगा? बिल्कुल, तभी तो मैंने कहा कि अगर भाजपा जो है वो सरकार बनाती है तो
उनको यूसीसी लागू कर देना चाहिए, क्योंकि ये न सिर्फ हमारे लिए बल्कि हमारे बच्चों के भविष्य के लिए भी बहुत अहम होने वाला है।